हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगी जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ब्रोंकियल अस्थमा लॉन्ग टर्म कंडीशन है, इस क्रॉनिक एयरवे कंडीशन दैट लीड टू वीजिंग एंड डिफिकल्टीज ब्रीथिंग इज नोन एज ब्रोंकियल अस्थमा। सांस लेने में दिक्कत होती है और इंस्पायरेशन जैसे लेते हैं इंस्पायरेशन होती है उसमें इन्फेक्टेड हो जाना या किसी तरीके के एलर्जी प्रोड्यूस होना, दैट मीन्स ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ अस्थमा, फर्स्ट चाइल्डहुड अस्थमा, सेकेंड एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, थर्ड एलर्जिक अस्थमा, COPD अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोन्स्ट्रिक्शंस EIB अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा एंड ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ये टाइप्स होते हैं, ये इतने तरह के अस्थमा होते हैं। एंड लास्ट है वर्क प्लेस अस्थमा। ये किन कारण से होते हैं अस्थमा, किन वजह से हो जाते हैं? कॉज ऑफ अस्थमा इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, पल्मोनरी एडेमिया, कंजक्शन ऑफ लंग्स, कार्डियक अस्थमा। ये कारण होते हैं, इनके कारण से होते हैं। अदर एंड ड्रॉपलर इन्फेक्शंस लाइक इन्फेक्शंस बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। साइनिंग सिम्टम ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा पैरोक्सिमल मीन्स सडन डिसीज, सडनली अपियर हो जाता है, एकदम से अचानक से डिफिकल्टीज ब्रीथिंग होने लगती है, चेस्ट पेन, चेस्ट वीजिंग, कॉफ एट नाइट, डे टाइम, एक्सरसाइज ड्यूरिंग, क्रॉनिक कफ, ड्राई कॉफ एंड फ्लम, माइल्ड सीवियर इन्फेक्शंस, फ्लो एंग्जाइटी, अर्ली अवेकिंग, फास्ट हार्ट रेट, थ्रोट इरीटेशंस। ये साइनिंग सिम्टम होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, लाइफ थ्रेडिंग लॉन्ग टर्म कंडीशंस है। इसे क्योर होने में थोड़ा टाइम लेता है बट होम्योपैथी से कंप्लीट क्योर करती है, क्योंकि एक तरीके के एलर्जी कंडीशंस अपियर हो जाती है। किस वजह से एलर्जी हो रही है, किस तरीके की एलर्जी हो रही है, किस टाइम पे एलर्जी हो रही है, इन किस कारण से हो रही है, ये कॉज को रिमूव करने में थोड़ा टाइम लेता है। बट अगर एक बार कॉज रिमूव हो जाते तो ये ब्रोंकियल अस्थमा परमानेंट क्योर हो जाता है, बट लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट रहते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन डिस्क्लोज करने से पहले आपको बता दें, कॉमन मेडिसिन से जो सिम्टो पे इफेक्टेड है, सिम्टोलॉजी पे इफेक्टेड है, और अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है और साथ में कोई अदर कंडीशंस है, अदर हेल्थ इशूज है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट लेना चाहिए। अगर कोई नहीं भी है फिर भी आप अगर क्रॉनिक अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट लेना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। ये एक मेडिसिन कॉमन है, अगर इसके भी यहाँ पे आपको सेम सिम्टम मैच हो रहे हैं, सिमिलरिटी है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल मेडिसिन डिस्क्लोज कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन से, ब्लेंटा ओरिएंटलिस 200 3 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक यूज़ करना है। ब्लेंटा एक ब्रोंकियल अस्थमेटिक मेडिसिन है, किसी भी तरीके का अस्थमा है ये हीलिंग करती है, बस स्लोली स्लोली हील करती है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। डाइट इंस्ट्रक्शंस में पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव स्वीट भी अवॉइड करना है, विटामिन सी से रिलेटेड सीट्रेट फूड्स भी आपको अवॉइड करना है जब आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो। अगर साथ में आप कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बट कोई एलोपैथी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक है, स्टेरॉइड है, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आपको डायबिटिक, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो साथ में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का हार्म नहीं है। ये मेडिसिन को 4 pills मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 pills नाइट आफ्टर फूड लेना है। ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।